देखा आपने हम कैसे 10 मिनट के अंदर जीरा वाली दाल तड़का तैयार कर सकते हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल ढाबे वाला आता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंडिताइन की रसोई। और आज मैं लेकर आई हूँ कि आप कैसे घर पर ही ढाबा स्टाइल में दाल तड़का तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे रेसिपी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है दाल तड़का ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ली है दाल। यहाँ पर मैंने अरहर की दाल ली है, इसे तुअर की दाल भी कहते हैं। ये हमारे घर की दाल है, बाजार से आप ले सकते हैं, क्योंकि घर की दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने घर की दाल ली है। इसके बाद हमें जरूरत होगी हल्दी की, खड़ी लाल मिर्च, जीरा, नमक, हींग, कड़ी पत्ता, कटा हरा धनिया, तड़के के लिए तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए ढाबा स्टाइल तड़का दाल बना रही हूँ। सबसे पहले हम दाल को धोएंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल में दाल को रख लिया है और इसमें अब हम पानी डालेंगे और दाल को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की धूल या कणा बचे। और हमने इसको पहले साफ भी कर लिया था। यहाँ पर हमने दाल को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसे कुकर में रखेंगे, अच्छे से गिरनी नहीं चाहिए। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि हमारी घर की दाल है इसलिए हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। बाजार की दाल होती तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है। हमें ध्यान रखना है इसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि कुछ लोग इसमें नमक ऐड कर देते हैं, जिससे दाल का ऑर्गेनिक टेस्ट चला जाता है। फिर आपको ढाबा स्टाइल दाल तड़का का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, यही इस रेसिपी का सीक्रेट है। तो चलिए, अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसमें लगाएंगे हम 2 सीटी। तो यहाँ पर हमारे कुकर में 2 सीटी आ गई है और हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। देखिए, जो दाने हैं वो अच्छे से फूल गए हैं, ये देखिए अच्छे से उबल चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने दाल को बाउल में निकाल लिया है, अब हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखा है। दाल फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी तेल की। यहाँ पे हम कढ़ाई में चारों तरफ इस तरीके से आपको तेल डालना है। सबसे पहले ऐड करेंगे जीरा, जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़ी लाल मिर्च। खड़ी लाल मिर्च से दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद ऐड करेंगे, क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं, टमाटर, इसलिए हम ऐड करेंगे हींग। चलाएंगे अच्छे से, हींग से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, नमक, क्योंकि हमने दाल में नमक नहीं डाला था, इसलिए हम नमक दाल को ध्यान में रखते हुए ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसे पकाएंगे। हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल। तो दाल को धीरे धीरे ऐड करना है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा तड़का लगता दाल तैयार हो गई और हल्दी अच्छे से मिक्स हो गई है। दाल को चलाएंगे, ये देखिए। अब हम एक उबाल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल में उबाल आ गया है और अब हम अपनी दाल को बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर दाल को बाउल में रख लिया है और देखिए दाल कितनी बढ़िया लग रही है और ये स्वाद में बहुत ही अच्छी होती है। गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पर धनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा आपने हम कैसे 10 मिनट के अंदर जीरा वाली दाल तड़का तैयार कर सकते हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल ढाबे वाला आता है। मेरा बेटा इसे बहुत ही चाव से खाता है और आप चाहें तो इसे चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दाल को बड़े हो या छोटे बच्चे सभी बहुत पसंद करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के हैवी मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी सिंपल जीरा फ्राई दाल ढाबा स्टाइल पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और लिंक शेयर कीजिएगा मेरे चैनल की, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही नए नए रेसिपी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।